सब बच्चों हमें नेकी कमाना है इंशाल्लाह, क्यों? क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह के सामने जाके खड़े होना है। और जो ज्यादा लोग सब जो नेमतें वेस्ट करके आते हैं, सेहत अच्छी है, हाँ टाइम फ्री टाइम है, उसको वेस्ट करके आते हैं, हम लोग वो ज्यादा लोगों की तरह करेंगे? नहीं, नहीं हम ज्यादा लोगों की तरह नहीं करेंगे। हम किसके तरीके पे चलेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेंगे, है ना इंशाल्लाह। तो आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें और एक बहुत अच्छी चीज जो इंशाल्लाह आप वेकेशन में कर सकते हैं वो है सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना इंशाल्लाह, दीन का इल्म हासिल करना। हाँ दीन का इल्म हासिल करना क्या है? सीकिंग फर्ज है। हाँ कि ना? हाँ इल्म हासिल करना क्या है? फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, रिपीट, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। यस अभी रिपीट करिए, सुनन इब्न माजा की सही हदीस, इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर, इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर, छोटे मुसलमानों पर भी फर्ज है, हाँ कि बड़े बड़े लोगों पे फर्ज है, सब पर, बच्चों पे भी फर्ज है, सब पर फर्ज है इंशाल्लाह। आप सब भी करेंगे, इल्म हासिल करेंगे। तो इल्म हासिल करने में क्या क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह वेकेशन में? कुरान रीडिंग कर सकते हैं, ओके नमाज इबादत हुई, हम इल्म के टॉपिक पे हैं। हाँ एक अच्छी चीज हो सकती है वो है इस्लामिक समर कैंप, इस्लामिक समर कैंप, सुना है आपने इस्लामिक समर कैंप क्या होता है? क्या होता है आप बच्चों के एरिया में? कोई इस्लामिक समर कैंप है या नहीं है? अगर इस्लामिक समर कैंप आपके एरिया में नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे जो बच्चे देख रहे हैं उनके एरिया में अगर इस्लामिक समर कैंप नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग बताओ, क्या करना चाहिए उनको? उनको बताइए, मोबाइल पे भी देख के इस्लाम? नहीं अभी फिर से मोबाइल पे गए, मोबाइल पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह, अभी हम लोग समर कैंप की बात कर रहे हैं। मोबाइल पे भी अच्छी चीजें देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे इंशाल्लाह। और बताइए क्या देख कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं, बोल सकते हैं अम्मी अब्बा से कि हमने प्रोग्राम में देखा है कि इस्लामिक समर कैंप होता है, समर कैंप में जाना होता है 1 week 10 days 15 days, और कहिए तो कोई ना कोई बड़ा आप लोगों के लिए समर कैंप कर सकता है इंशाल्लाह। हाँ ट्राई तो कर सकते हैं, कोशिश करिए, अगर एक बच्चा भी कोशिश करे हो सकता है कि सारे बच्चों का फायदा हो जाए। हाँ तो समर कैंप एक अच्छी आइडिया है। दूसरी चीज कुरान याद करना, कुरान याद करना, हिफ्ज करना। स्कूल में क्या होता है कई बार ज्यादा पढ़ाई होती है, एग्जाम्स होते हैं, टेंशन होता है, वेकेशन में टाइम होता है, तो टारगेट बनाओ बच्चों, टारगेट, टारगेट, टारगेट का मतलब गोल, गोल प्लान, क्या प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह। ये है आप वेकेशन से पहले और ये है आप वेकेशन के बाद, तो आपको जितना कुरान याद है वो बढ़ना चाहिए कि घट जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए। टारगेट बनाओ इंशाल्लाह कि मैं इस वेकेशन में इंशाअल्लाह इतनी कुरान की सूरतें याद करूंगा इंशाल्लाह, इतनी आयतें याद करूंगा, अम्मा पारा की ये सूरतें याद करूंगा, जो जो दुआएं याद नहीं है दुआएं याद करो इंशाल्लाह। हाँ और मीनिंग के साथ पढ़ो इंशाल्लाह। हाँ करेंगे इंशाल्लाह, आप भी गोल बनाएंगे, बनाएंगे, हाँ बनाएंगे इंशाल्लाह। वेकेशन में कुछ कुरान की सूरतें याद करना है इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि टाइम क्या है? अमानत है अल्लाह की दी हुई, उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह। एक और चीज कर सकते हैं वो है अरबिक लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सीख सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ अरबिक जुबान सीख सकते हैं, उसकी बहुत सी क्लासेस होती है, बहुत सी बुक्स होती है, कंप्यूटर की प्रोग्राम्स भी होते हैं सीखने के लिए। हाँ और कर सकते हैं। हाँ अगली चीज जो कर सकते हैं वो है कि कलर्स ऑफ इस्लाम की जो एपिसोड आपकी छूट गई हो वो आप देख सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि आगे पढ़ के भूल जाते हैं तो उसका रिविजन कर सकते हैं वेकेशन में, है ना? अच्छा प्लान है कि नहीं है? अच्छा प्लान है। और कुछ ऐसी बुक्स किताबें हासिल कर सकते हैं, बच्चों की बुक्स होती है, अच्छी किताबें, हाँ अच्छी अच्छी बुक्स होती है। क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टोरी बायोग्राफी सीरत पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? अगर नहीं पढ़े तो वेकेशन का प्लान बनाइए इंशाल्लाह। क्या आपने सहाबा की स्टोरीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? खुलफाए राशिदीन जो फोर खलीफा है उनकी स्टोरीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े। अगर आपने नहीं पढ़े हैं पढ़िए इंशाल्लाह। छोटी छोटी इस्लामिक बुक्स फॉर चिल्ड्रन आती है, हाँ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़िए इंशाल्लाह, रीडिंग करिए इंशाल्लाह। अच्छा अगर आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स है और आप इनके पास बुक्स नहीं है तो क्या करेंगे? इनको इनको भी साथ लेके ये भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। अच्छा एक ही बुक में एक पेज आप पढ़िए एक पेज ये पढ़ेंगे? नहीं हम लोग साथ में रीडिंग करेंगे। साथ में लेकिन स्पीड आपकी ज्यादा है इनकी कम है? और मिलेंगे कब? शेयरिंग,
क्या कर सकते हैं? शेयरिंग, शेयरिंग करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आपके पास अच्छी अच्छी बुक्स है, आप खुद भी पढ़ो, आपकी कंपाउंड के, आपके सोसाइटी के, आपके एरिया के, आपके गांव के, आपके विलेज के, आपके शहर के दूसरे बच्चे हैं उनके साथ भी शेयरिंग करो। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग करो। पता है आपको, अगर आपकी बुक्स है और अयान रीड करते हो, या अयान की बुक्स है अब्दुल्ला रीड करते हैं, तो आपको अजर मिलता है, मालूम है? वो बुक अयान रीड करेंगे लेकिन अब्दुल्ला को भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, तो बुक्स का एक बुक्स बैंक बना सकते हैं, बुक्स लाइब्रेरी बना सकते हैं, और बुक्स में लाइब्रेरी में रखकर खत्म नहीं हो जाती बात, पढ़ो, आप खुद भी पढ़ो इंशाल्लाह। हाँ, एक और चीज कर सकते हैं, इस्लामिक एक्टिविटी बुक्स। पता है आपको इस्लामिक एक्टिविटी की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, इस्लामिक स्टडीज की बुक्स होती है, इस्लामिक एक्टिविटीज बुक होती है, उसके अंदर कितने सारे होते हैं जिसमें कलरिंग करना होता है, और कितने सारे होते हैं जिसके अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो ये सब करने से क्या होगा, हमारा इल्म बढ़ेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, ये नॉलेज जो बढ़ेगी वो हमें वेकेशन में काम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और वेकेशन के बाद? आएगी। वेकेशन के बाद भी काम आएगी? एक साल तक काम आएगी? नहीं, हमेशा 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 काम आएगी। जो इल्म आपने हासिल किया वो जब तक आप याद रखेंगे इंशाल्लाह, तब तक आपको काम आएगी, है ना? तो इल्म हासिल करना चाहिए, वेकेशन को नॉलेज के लिए अच्छा बनाइए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।